जैन साथियों, एसएससीडी के फिजिकल में इतना ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं कि आपके यूपी पुलिस वाले एक अलग टेंशन में बैठे हैं कि हमारा क्या होगा, क्योंकि जब एसएससीडी में लोग इतना तैयारी करने के बाद फेल हो जा रहे हैं तो यूपी पुलिस में तो फिर तो और दिक्कत होगी। तो यूपी पुलिस के लिए अलग से बात करने वाले हैं, पहले आपके एसएससीडी की बात करने वाले हैं। तो एसएससीडी में देखा जाए तो आपके रिजल्ट और फिजिकल में काफ़ी समय का अंतर हो गया, करीब 2 महीने का रिजल्ट आने। तो जो लोग अगर सही से सीरियस होकर तैयारी की थी कि उनको एसएससीडी में भर्ती होना, तो वो लोग पास हो रहे हैं। बाकी जो हवा में घूम रहे थे कि आपका जब फिजिकल की डेट आ गई तब मैं, देखो रनिंग के लिए आपको कम से कम 2 महीने का समय चाहिए। अगर आप पहली बार रनिंग की तैयारी कर रहे हैं, इतना आसान नहीं होता रनिंग के लिए, तो 2 महीने अगर आपने सही से प्रैक्टिस किया आप रनिंग निकाल लें, क्योंकि रनिंग में आपका स्टार्टिंग में आपकी सांस खुलेगी, पैर दर्द होगा, ये सारी समस्याएं आपकी होती हैं। तो इन समस्याओं को 1 महीने आपको झूझना पड़ेगा, उसके बाद ही जब 1 महीना चला जाता है उसके बाद ही आपका आता है समय, उसमें आपका डाउन होता है, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब एसएससीडी में देखा जाए तो इस बार जो है बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड आपके लोग फेल हो रहे हैं, ये अभी शुरुआती आंकड़ा है। बाकी अभी जिस हिसाब से आपके मौसम सही होता जाएगा लोग और पास होते थे, लेकिन अभी स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा लोग फेल हो रहे हैं। कारण क्या है कि इतना ज़्यादा आपकी धूप है, गर्मी है, क्योंकि तो शुरुआती दौर में जब फिजिकल स्टार्ट होता है प्रोसेस में थोड़ा लेट हो जाता है, तो रनिंग कहीं 10 से 11 बजे स्टार्ट हो रही, कहीं 12 बजे स्टार्ट हो रही, जिस वजह से देखा जाए इतना ज़्यादा मौसम इस समय ख़राब है, क्योंकि धूप बहुत खतरनाक है, इस धूप को बहुत खतरनाक माना जाता है। तो लोग यहाँ इसी वजह से ज़्यादा फेल हो रहे हैं, और फेल होने का सबसे बड़ा यही रीज़न है कि धूप। बाकी मैंने भी 2018 में जब दौड़ा था तो मेरी भी रनिंग 12 बजे के समथिंग हुई थी, मेरा जो है रनिंग था दूसरे दिन, मैं रात में 9 बजे मैं सोचो आया था, दो बजे के करीब 12-1-2 बजे रनिंग समाप्त हुई, फिर उसके बाद डीबी हुआ, लगभग रात हो गई थी 7-8 बज गया। तो इस हिसाब से होता है शुरुआती दौर में, जब एक ये आपके 10-12 दिन बीत जाएंगे तो ये समय के अनुसार सुबह 8 से 9 बजे रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तब उसके लिए परेशान मत हो, अभी शुरुआती दौर में दिक्कत होगी। अब देखो फेल कितने हो रहे हैं किस हिसाब से देखा जाए, जैसे आपके 100 लोग को फिजिकल के लिए बुलाएगा उसमें से 20 से 25 लोग अब्सेंट हो जा रहे हैं। अब्सेंट होने वाले वही स्टूडेंट हैं जो बॉर्डर लाइन पे थे, सोच रहे थे कट ऑफ के मैं एक नंबर 2 नंबर जा दूँ, क्या करना, मतलब वहाँ जाके फेल तो वैसे भी हो जाना है फाइनल में, लेकिन इस बार वो भूल कर रहे हैं, क्योंकि इस बार आपका फिजिकल के तुरंत बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है, ताकि किसी भी भर्ती में आपको मेडिकल टेंशन नहीं, क्योंकि आपका मेडिकल हो जाएगा तो आपको टेंशन नहीं रहेगी, मेरा मेडिकल में पॉइंट वीक है, ठीक है, ये आपके टेंशन दूर है। जो लोग नहीं गए तो बाद में पछताएंगे, क्योंकि ये आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी, आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ फिजिकल के लिए बात करें तो जैसे आपको 100 लोग को दौड़ाया जिसमें 25 लोग आपके एब्सेंट हैं, तो 75 लोग दौड़े, उसमें से आपके करीब 50 लोग 45 से 50 लोग पास हो रहे हैं और बाकी जो है फेल हो जा रहे हैं। और फेल होने के कारण मैं बता दिया धूप वगैरह का आपका जो है लेट होने का प्रोसेस। उसके बाद इसमें देखा जाए जब आपका फिजिकल हो जाता है उसके बाद इनकी फाइनल हाइट चेक होती है, चेस्ट चेक होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें भी 10-12 लोग बाहर हो जा रहे हैं। तो ये आंकड़ा आपके 30 से 35 का बच रहा है, कई कई सेंटरों में तो 20 से 25-17 तक जा रहा है, ये आंकड़े आपके आ रहे हैं। अभी ये आंकड़े आपके फिजिकल के, ना कि मेडिकल। मेडिकल में जाएंगे तो 10 से 12 लोग मेडिकल में पास होंगे, मतलब 10 से 12 लोग मेडिकल में फेल होंगे। करीब आपके देखा जाएगा तो औसत एक प्रकार से 100 में से 20 लोग जो है जो फाइनल मेरिट के लिए रास्ता तय करेंगे, और उससे कम भी हो सकता है, एक औसत मैं मान के चल रहा हूँ। पूरा अगर एक तरीके से लास्ट तक की भर्ती किया जाए तो 100 में से 20 मतलब कि 80 लोग फेल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपके फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली, इसलिए परेशान ना हो। जो भी अगर मेडिकल क्लियर कर लेगा लगभग अपना मान के चलिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मेडिकल में फेल हो गए हैं, अब वो नेक्स्ट आपके एसएससीडी की जो भर्ती है की आ गई है उसकी तैयारी करें, और जिसकी एज है उस भर्ती में लग जाओ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जनवरी फरवरी में है, तो ज़्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करना है। आपको सब कुछ पता है आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि आप पेपर क्वालिफाइड हो तो आपको अच्छे से पता है आपको किस हिसाब से तैयारी करना है, ठीक है। तो अगर आप एसएससीडी की तैयारी कर रहे हो, आप मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि कौन सी बुक किससे तैयारी करें, तो एसएससीडी के लिए मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप इनको परचेज कर लेंगे तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर आपका बेस्ट है, आपके सारे चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन। एसएससीडी के लिए बेस्ट बुक की बात करें जो कि अभी चच्चू प्रकाशन की मार्केट में है, जैसे इनके सामान्य ज्ञान की बुक है, इसमें आपको सारे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 21, 22, 23, 24, 19 के सारे आपको प्रीवियस ईयर का कलेक्शन दिए गए। साथ में इनकी हिंदी की किताब आती है जिसमें आपको 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके साथ ही इनकी मैथ की आती है, मैथ में भी आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, और साथ में रीजनिंग भी है, सारे आपको चैप्टर वाइज में 750 क्वेश्चन पूरा चैप्टर वाइज मिल सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। ये अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप इन किताबों पर परचेस कर सकते हैं। किताबों को परचेस करने के लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अपने नज़दीकी स्टोर में भी जाकर उसको आप परचेस कर सकते हैं।
अब यूपी पुलिस वालों के लिए बात करते हैं, यूपी पुलिस का आपका फिजिकल मान के चलिए नवंबर से पहले आपका फिजिकल नहीं होना है, तो नवंबर तक आपके पास समय है, तो एक महीना है आपके जो दर्द पैरों में है ये सब आपके सारे दर्द पैर से गायब हो जाएंगे, तो एक महीना आपका समय लगेगा। अब आप सोच रहे हैं कि आप तुरंत जो है 5 किलोमीटर दौड़, ऐसा नहीं, तो धीरे धीरे रनिंग की प्रैक्टिस करें और बहुत जल्दबाजी में गलती मत करें। अब बहुत से लोग क्या करें, 2 टाइम जा रहे हैं, देखो 2 टाइम जाएंगे तो आपको और दिक्कत होगी, जो आप बेहतर कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो 2 टाइम मत दौड़ेगा। और दूसरे टाइम आप जा रहे हैं तो केवल वॉक करिएगा और एक्सरसाइज करिएगा, और जो आपका एक्सरसाइज होता है वो रनिंग के बाद करना रहता है, पहले भी आप कर सकते हैं और बाद में, दोनों जगह आप करना है, आप पहले भी कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं जिससे आपका शरीर गर्म हो, उसके बाद जिससे आप फिज दौड़ के आते हैं उसके बाद आपको थोड़ी दूर वॉक करना है, उसके बाद अपनी एक्सरसाइज करना है, ठीक है। और कोशिश करें कि आप ग्राउंड के पास जाएंगे तो ग्राउंड में आप जाएंगे तो आपको रनिंग के लिए दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी से आप राउंड की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहाँ आपको 12 चक्कर लगाने पड़ते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, चक्कर भूल जाते हैं, 1-2 चक्कर, जिस वजह से उनको लगता है कि उनकी रनिंग कंप्लीट हो गई, बाद में देखते हैं कि उनके 10 ही चक्कर लगे, 11 ही चक्कर लगे, तो भाई चक्कर भूलने का कारण यही होता है कि आप पहले से प्रैक्टिस नहीं करते, तो आपके आसपास कोई भी ग्राउंड हो 8-10 किलोमीटर आप चले जाएँ, चाहे दिन में दौड़े, क्योंकि दिन रनिंग आपकी दिन में ही होती है, तो चक्कर की अभी से प्रैक्टिस है। और चक्कर काउंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पेन से अपना निशान बना लीजिए हाथ में कि हाँ 1 चक्कर हो गया, उसको एक लाइन बना लीजिए, अपना रबड़ बैंड ले जाइए हाथ में फंसा लीजिए, एक हो गया तो उसको फेंक दीजिए, या आप हाथ में गिट्टी ले सकते हैं 12 हिसाब से करिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग से ही अपना चक्कर, नहीं ये आपको भूल नहीं करनी, जैसे आप 1 चक्कर पूरा कंप्लीट करेंगे तब आपका 1 चक्कर होगा, ना कि आप जिस जगह से दौड़ेंगे उस जगह से आप चक्कर काउंट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, और देखो दौड़ के लिए आपको मैंने बता दिया आपको डाइट क्या लेना है, सब वीडियो मैंने उसको अलग से बनाया है, इसलिए भाई भ्रम में ना रहो, आराम से रनिंग की प्रैक्टिस करो। बहुत जल्दबाजी में आपको रनिंग की प्रैक्टिस नहीं करना कि आप जो है दिन भर दौड़ते रहें, आपको एक रनिंग करना है, एक एक्सरसाइज लिमिट में करना है इस हिसाब से, और पैरों की अपना गर्म पानी से धुलाई करें, तेल से मालिश करें सरसों की, ये सारा आपका दर्द जो है 1 महीने तक रहेगा, 1 महीने के बाद ये आपका सारा दर्द गायब हो जाएगा, इस सांस फूलने की समस्या ये सारी सब 1 महीने का समय लगेगा। आप सोच रहे हैं कि अब तुरंत हो जाए तो तुरंत इस समस्या का समाधान नहीं होगा, मैंने पहले भी कहा था आपको 2 महीने का समय आपको चाहिए रनिंग के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की, बोलने को तो आप कुछ भी बोल देते थे, और बहुत से लोग क्या है रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद जो है मैं रनिंग की तैयारी करूँ, तो इतना आसान मत समझना कि रनिंग आपके रिजल्ट के तुरंत बाद अगर आप तैयारी करेंगे तो ये भर्ती बोर्ड है, आपके रिजल्ट आता है उसके दूसरे दिन से ही DVPST चालू कर दिया था 41520 भर्ती में, जिसमें मैं सिलेक्ट था, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये है कि आपके नवंबर मान के चलिए दीपावली के बाद ही आपकी रनिंग वगैरह स्टार्ट होगी, तो तब तक आपके पास समय है, आप बेहतर कर सकते हैं और आपको पर्याप्त समय मिल गया। देखा जाए तो आपके 20 तारीख से अगर आपने रनिंग स्टार्ट किए तो आपका दिवाली तक लगभग आपका 2 महीने के करीब हो जाएगा, 2 महीने आपके लिए पर्याप्त होता है समय के लिए, इसलिए अच्छी डाइट ले और टेंशन में ना आए, एक्सरसाइज वगैरह करें, दौड़ते रहें। बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रहें आप कमेंट कीजिए, मैं आपके जवाब दूँगा।